हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित वर्ल्ड जीएस क्लासेस। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है नार्को टेस्ट। ये टेस्ट आजकल न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली दिल्ली कोर्ट ने आफ्ताब पूनावाला के नार्को टेस्ट की परमिशन दे दी है। दोस्तों, ये वही आफ्ताब पूनावाला है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वाकर का 18 मई को मर्डर कर दिया और फिर उसकी बॉडी के 35 टुकड़े कर दिए। तो आइए, इस वीडियो में हमें जानेंगे कि नार्को टेस्ट क्या होता है और इसे क्यों किया जाता है। इस टेस्ट में सोडियम थियोपेंटालाम का एक ड्रग यूज किया जाता है जिसे बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू डाला जाता है और बॉडी में इंजेक्ट होते ही बॉडी सेडेटिव यानी कि आधी बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है, या यूं कहें कि बॉडी हिप्नोटाइज हो जाती है। और फिर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक्यूज्ड अब सारे सवालों के जवाब सही सही देगा। इसीलिए इसे ट्रुथ सीरम भी कहते हैं, यानी कि ऐसा सीरम जो सच्चाई का पता लगाए। ये टेस्ट एक्सपर्ट्स की सुपरविजन में ही किया जाता है। एक्सपर्ट्स की टीम में डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स, इंक्वायरी ऑफिसर्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं और इस टेस्ट के पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी भी की जाती है। मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि सोडियम थियोपेंटाल ड्रग स्पेशली नार्को टेस्ट के लिए नहीं बना है। जब भी किसी की सर्जरी की जाती है तो बेहोशी के लिए यही ड्रग दिया जाता है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में। नार्को टेस्ट में इसकी कम डोज का यूज किया जाता है जिससे कि पर्सन सेमी कॉन्शियस स्टेट में बना रहे और उससे सवाल जवाब किए जा सके। आइए जानते हैं कि नार्को टेस्ट का लीगल प्रोसेस क्या है। नार्को टेस्ट को करने से पहले पुलिस का कोर्ट से परमिशन लेना जरूरी है और साथ ही साथ जिसके ऊपर नार्को टेस्ट करना होता है उसकी सहमति भी जरूरी है, यानी एक्यूज्ड की मर्जी के खिलाफ पुलिस उसके ऊपर ये टेस्ट नहीं कर सकती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आरोपी से पूछने की जरूरत ही क्या है, कोर्ट से परमिशन तो मिली गई है तो सीधा नार्को टेस्ट उसके ऊपर कर देना चाहिए। लेकिन लीगली ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट का कहना है कि अगर आप किसी की मर्जी के खिलाफ उसके दिमाग से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन है। राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट या यूं कहें एक मौलिक अधिकार है। ये अधिकार हम सभी को संवैधानिक रूप से मिला हुआ है। दोस्तों, अब बात आती है नार्को टेस्ट से मिले जानकारी के कानूनी उपयोग की। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि टेस्ट करने के बाद अगर आरोपी अपना जुर्म कबूल कर ले तो क्या इस कन्फेशन को कोर्ट में एज एन एविडेंस पेश किया जा सकता है या नहीं। तो उसका सीधा सा जवाब है नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने, नहीं किया जा सकता। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके ऊपर मर्डर चार्ज लगा हुआ है और नार्को टेस्ट के दौरान आरोपी पुलिस के सामने ये कबूल कर लेता है कि मर्डर उसने ही किया है, फिर भी इस कन्फेशन के आधार पर आरोपी को सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि कोर्ट का मानना है कि सेमी कॉन्शियस स्टेट में दिए गए बयानों के सही होने की कोई गारंटी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये टेस्ट कराया ही क्यों जाता है, फिर इसकी जरूरत ही क्या है। जरूरत है उलझे हुए केसेस में। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब कोई एक्यूज्ड पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है और कॉपरेट नहीं करता। उदाहरण के तौर पे हम आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा वॉकर के केस को ही देख सकते हैं। आफ्ताब लगातार अपने बयानों को बदल रहा है, ऐसे में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है। इन्वेस्टिगेशन को आसान बनाने और सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए नार्को टेस्ट की अहम भूमिका रहेगी। पुलिस ने लगभग 40 से 50 सवालों की लिस्ट तैयार की है जो कि टेस्ट के दौरान आफ्ताब से पूछे जाएंगे, जैसे कि बॉडी को 35 पीसेस में काटने के लिए किन वेपन्स का यूज किया गया था और वो वेपन्स कहाँ हैं, मर्डर कब और कैसे प्लॉट किया गया था, मर्डर की प्लानिंग कब हुई, मर्डर की प्लानिंग में और कितने लोग शामिल हैं या तुम अकेले थे। आफ्ताब के बयानों के आधार पर पुलिस एविडेंसेस की खोजबीन करेगी और खोजबीन में पाए जाने वाले एविडेंसेस जैसे कि मर्डर वेपन्स, बॉडी पीसेस एक्सेट्रा को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश कर सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि आफ्ताब और श्रद्धा एक बंबल नाम की डेटिंग ऐप पे मिले थे। आज की मॉडर्न जनरेशन में डेटिंग ऐप का तो जैसे फैशन ही चल गया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि डेटिंग ऐप्स का यूज प्यार ढूंढने, रिश्ते बनाने में ना करें, वरना प्यार तो नहीं मिलेगा, नफरत और धोखा जरूर मिल सकता है। अब देखना यह है कि आफ्ताब को सजा और श्रद्धा को इंसाफ मिलता है या नहीं। रोहित वर्ल्ड जीएस क्लासेस आपको सभी अपडेट्स देता रहेगा। ऐसे ही खास जानकारियों और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।